मामला यमुना नदी और दिल्ली वालों की जिंदगी से जुड़ा है, इसलिए सच सामने लाना जरूरी हो गया था। इसीलिए एबीपी न्यूज के संवाददाता शिवांक मिश्रा अपनी यूनिट के साथ यमुना नदी में जहरीले होते पानी का सच जानने ओखला के यमुना घाट पहुंचे, तो संवाददाता दिव्यांकर तिवारी यूपी और हरियाणा से दिल्ली में आने वाले पानी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की हकीकत को समझने निकले थे। हमारी पड़ताल में क्या सामने आया हम आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं। 24 अक्टूबर को यमुना नदी में डुबकी लगा दी, जिसके बाद वो बीमार पड़ गए। आरोप है कि डुबकी लगाते ही वीरेंद्र सचदेवा को एलर्जी और अन्य समस्याएं आने लगी। स्किन पर रैशेज, खुजली और सांस लेने में तकलीफ हुई। फिर वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद दवा दी। बीजेपी ने इस मामले को सोशल मीडिया पर शेयर किया और फिर सियासत गर्मा गई। वीरेंद्र सचदेवा एडमिट हैं और जो तकलीफें हैं वो लगातार उनकी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और शुरुआत में जो जानकारी निकल कर आई है उसमें यही पता चला है कि डॉक्टरों ने कई सारे टेस्ट किए हैं। अब देखने वाली बात होगी जब इन टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2013 से अब तक कई बार दावा कर चुके हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले वो दिल्ली की यमुना में स्नान करेंगे। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। इसी बयान को चुनौती देते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में स्नान किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी बुलाया था, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। वीरेंद्र सचदेवा के बीमार पड़ने पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में बहुत से लोग बीमार होते हैं, बीजेपी प्रदूषण के नाम पर नौटंकी कर रही है। वो झाग पैदा कर रहे हैं और हम झाग साफ कर रहे हैं यमुना से और साफ करेंगे। वो रुकावट पैदा करते हैं, हम काम करते हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि भाजपा के नेताओं की नौटंकी जारी है और हमारा काम जारी है। धूमधाम से छठ पूजा हम लोग मनाएंगे। ये दिल्ली के ओखला का यमुना घाट है। चारों तरफ गाद ही गाद और झाग के नीचे है सरकार के दावों की हकीकत। मशहूर शायर गालिब की एक शायरी है कि जिंदगी भर बस एक ही गलती करता रहा, धूल चेहरे प्रति और आईना साफ करता रहा। अब उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख लीजिए, यहाँ पर दिल्ली के यमुना घाट पर हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर एक तस्वीर में तो आपको यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी दिख जाएंगे जो कि नाव में सवार होके इस फोम को हटाने के लिए लगातार केमिकल डाल रहे हैं। लेकिन अब एक और तस्वीर आप देखिए कि लगातार दूसरी तरफ से ओखला बैराज में यमुना में झागदार गंदगी प्रवेश कर रही है। 2017 से अब तक यमुना की सफाई पर सिर्फ दिल्ली सरकार 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है। अभी भी सफाई के नाम पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। 2017 से अब तक यमुना कितनी साफ हुई है उसका ये काला पानी गवाही दे रहा है। छठ से पहले राजधानी दिल्ली में यमुना नदी की क्या हालत है ये तस्वीर दिखाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम लगातार यहाँ पर पहुंची है। इस वक्त हम लोग ओखला स्थित यमुना घाट पे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरी नदी यहाँ पर झाग से लबालब है। जो एबीपी न्यूज के पास आधिकारिक दस्तावेज हैं दिल्ली सरकार के, वो ये बता रहे हैं कि यमुना में गंदगी घटने के बजाय 7,000 करोड़ खर्च होने के बाद 2 गुना से ज्यादा 3 गुना तक बढ़ चुकी है। अब तक तो आपने तस्वीरों की जुबानी यमुना के पानी की कहानी को देखा, लेकिन ये पानी कितना गंदा है उसकी रिपोर्ट भी देखिए। एबीपी न्यूज के पास दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की सितंबर 2024 की रिपोर्ट है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी वाटर लेबोरेटरी की अक्टूबर 2024 की भी रिपोर्ट है और इसी कमेटी की अक्टूबर 2019 वाली रिपोर्ट भी है, जो यमुना की पानी की कहानी फेकल कोलिफॉर्म के जरिए बता रही है। जब अक्टूबर 2019 और अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट को देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जहां पर एबीपी न्यूज के संवाददाता पड़ताल करने पहुंचे थे वहां की फेकल कोलिफॉर्म रिपोर्ट देखिए।
अक्टूबर 2019 में ओखला बैराज के पास कुल फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा 7,900 थी, जो अक्टूबर 2024 में कई गुना बढ़कर 35 लाख से भी ज्यादा हो गई। आप देख लीजिए, ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट बॉटल है प्लास्टिक की, लेकिन आप देखिए कि यमुना जी का जल भरने के बाद इसकी क्या हालत होती, देखिए ये देखिए, अब ये हालत है कि किस तरह से साफ साफ गंदगी आपको दिखाई दे रही है कि जो बोतल सफ़ेद ट्रांसपेरेंट थी वो अब ग्रे रंग की हो चुकी है। यमुना की गंदगी ना सिर्फ बढ़ रही है बल्कि फेसियल कोलिफॉर्म जैसी जो चीज़ें हैं वो भी यमुना में भर रही है। आप ये रिपोर्ट देखिएगा, DPCC की रिपोर्ट है। अब DC यहाँ पर DPCC की रिपोर्ट में बताया गया कि ओखला बैराज पर जो फेसियल कोलिफॉर्म की दर है वो 35 लाख पार कर चुकी है, जबकि होनी कितनी चाहिए 2500। अब ITO ब्रिज के पास पानी की शुद्धता को समझिए। अक्टूबर 2019 में ITO के पास पानी में कुल फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा करीब 12,000 थी, जो अक्टूबर 2024 में करीब 20 गुना बढ़कर 2,40,000 से भी ज्यादा हो गई है। यानी इतना जहरीला पानी हो गया है कि इसके संपर्क में आने भर से इंसान गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाएगा। सर पानी का मतलब टेस्ट करने के लिए? हाँ जी, आगे वो लैब बनाई है ना, वहाँ पर टेस्टिंग के लिए लेके जाते। छठ के पहले पानी से झाग हटाने और मौजूदा केमिकल की जांच में दिल्ली सरकार जुटी है, लेकिन यमुना नदी के किनारे लैब बनाकर ये जांच क्यों हो रही है ये भी समझिए। यहाँ पर भी आप देखिए कि किस तरह से जल बोर्ड ने एक पूरी लेबोरेटरी सेटअप कर ली है, जो यमुना के पानी की गुणवत्ता को मापने के लिए ये पूरी लेबोरेटरी यहाँ पर बनाई गई है। जो जल बोर्ड के अधिकारी हैं वो एक समय समय पर यमुना से पानी इकट्ठा करके इस लेबोरेटरी में ये जांच रहे हैं कि जो केमिकल डाला जा रहा है वो कहीं पानी के ऊपर विशेष प्रभाव तो नहीं डाल रहा है। छठ मनाने वाले डरे हुए हैं कि इस पानी में महिलाएं कैसे नहाएंगी, जो डुबकी लगाएंगे उनका क्या हाल होगा। इस वक्त ABP न्यूज की टीम यहां पर यमुना के कालिंदी घाट पर आई है और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से ये जो पूरा पानी है, ये पानी से ज्यादा पूरा यहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे झाग है और किसी स्नो में हम लोग मौजूद हैं, किसी ऐसी जगह पर हम लोग मौजूद हैं जहां पर पूरी तरह से बर्फबारी हो रही है। आप मीडिया के लोग हैं, आप ये देखिए काला, ये जहर है और हमारी माताएं इसमें डुबकी लगाएंगी और उसके श्वास नली में, उसके गला में जब ये जहर जाएगा, लेकिन फिर भी आस्था का वो चीज़ देख लीजिए कि जहर पीकर भी हमारी बहनें माताएं अपनी आस्था को ठेस नहीं पहुंचने देती है। लेकिन केजरीवाल जी, मैं आपके वर्तमान मुख्यमंत्री से, आतिशी जी वो भी एक महिला हैं, एक बार आकर इसको देखिए और एक बार डुबकी लगा के पूरे देश को संदेश दीजिए जो आपने वादा किया था। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी वाटर लेबोरेटरी की अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट दिखाकर ABP न्यूज के संवाददाता ने इकोलॉजी एक्सपर्ट से बात की। उन्हें सुनिए और समझिए कि यमुना का पानी कितना खतरनाक हो चुका है। हम कई बार कल्पना कर कहते हैं तुलनात्मक दृष्टि से कि यमुना को नाला बना दिया, लेकिन यहाँ पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा ये बताती है कि यमुना को नाला नहीं लगा बना दिया बल्कि नाले से भी बदतर स्थिति में हम ले आए हैं। इसी रिपोर्ट को ABP न्यूज ने एक बड़े अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट को दिखाया और पूछा कि यमुना के पानी में 35 लाख फीकल कोलिफॉर्म होने का क्या मतलब है। देखिए, जहाँ पे ये इंडेक्स इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है वहाँ पे बीमारियों की बात करें तो सबसे पहले कोई वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो जैसे ही पानी का कांटेक्ट होगा सबसे पहले स्किन डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटी होती है। फर्स्ट स्किन डिजीज़ में बेसिक स्किन रैशेस जैसे कि एलर्जी हो गई, स्किन रिएक्शंस होते हैं बहुत सीवियर, ये बेसिक चीज़ है। डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि दिल्ली के लोगों को यमुना के पानी में जाने से बचना चाहिए। ये पानी न सिर्फ जहरीला है बल्कि हवा को भी दूषित कर रहा है। शायद यही वजह है कि दिल्ली के BJP अध्यक्ष ने डुबकी लगाई तो वो बीमार पड़ गए और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।